चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. ए पर्सन इन्वेस्ट रुपीज 7,770 इन अ कंपनी पेइंग 5% डिविडेंड व्हेन अ शेयर ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 100 सेल्स एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 5. फाइंड. यहाँ पे तीन चीज़ पता कर दी, द नंबर ऑफ शेयर्स, उसने कितने शेयर खरीदे, कितनी उसकी एनुअल इनकम है और परसेंटेज इनकम क्या है. तो पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं. क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया हुआ है. इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 7,770 रुपीज़ का है. नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर दी हुई है 100. मार्केट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मार्केट वैल्यू है रुपीज 100 सेल्स एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 5, मतलब कंपनी प्रॉफिट में हुई है और उसके शेयर का दाम बढ़ गया है 5 रुपये. तो पहले नॉमिनल वैल्यू उसकी 100 थी, तो अब 5 रुपये बढ़ गई है, प्लस 5 हो जाएगा 100 में, तो 105 रुपीज़ की मार्केट वैल्यू है. अब यहाँ पे हमें पहले निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये हमें फाइंड करना है. तो हमें पता है नंबर, हमने कितना इन्वेस्ट किया है, हमने इतना इन्वेस्ट किया है, एक शेयर की वैल्यू इतनी है. तो हम सीधे फॉर्मूला में रख के इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इसमें रख देंगे 7,770 अपॉन 105. इसको डिवाइड कर, डिवाइड रफ में डिवाइड किया 7,775 7,7 7,5 35 7 7 7 में से 3 गया, 7 में से 5 गया 2, 7 से 3 गया 4 0. फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 20 4 1 4 0, तो यहाँ पे 74. तो उसने 7,770 रुपीस खर्च करके 74 शेयर्स खरीदे. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, एनुअल इनकम. एनुअल इनकम उसकी कितनी हुई, तो एनुअल इनकम पता है टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ डिविडेंड. इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट में हमारा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालते हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 74 है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर है तो नॉमिनल वैल्यू उसकी है 100 और रेट ऑफ डिविडेंड है इसमें 5/100. तो ये कैलकुलेट होके 7,400 × 5/100 है, ये कैंसिल हो गया. इसको कैलकुलेट करने पे 370, ये हमारा एनुअल इनकम. एनुअल इनकम हमेशा ही नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर पे निकलती है. यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग मैंने इस वाली वैल्यू को डाला था जो कि मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर थी, तो वो गलत हो गया. तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा एनुअल इनकम जब भी निकालें तो उसमें हमेशा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर डालेंगे. चलिए अब इसमें क्वेश्चन में थर्ड पार्ट पूछ रहा है, परसेंटेज इनकम. थर्ड पार्ट है परसेंटेज इनकम. परसेंटेज इनकम का फॉर्मूला
सीधे फॉर्मूले में ही रख देंगे, वो होता है हमारा इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। तो इनकम हमारी यहाँ पे हुई है 370 की, ऊपर हमने निकाला है। हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ था, टोटल इन्वेस्टमेंट है 7770 इंटू 100%। ये हमारा 370 ही कैंसिल हुआ है, इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आएगा 4.76। हम लोग डेसिमल के टू प्लेस तक आंसर ले रहे हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया 4.76। ये हमारा तीन पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा था, तो हमने तीन निकाले। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 74 हो गए, एनुअल इनकम हमारी 370 होगी जो नॉमिनल वैल्यू पे है, परसेंटेज इनकम हमारी होगी 4.76%।